मॉर्निंग चिल्ड्रन, आशा करती हूँ आप सब घर में स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। बच्चों, आज मैं आपको हिंदी पाठ्यपुस्तक हिंदी व्याकरण एवं रचना का पाठ पांच पढ़ाऊंगी। बच्चों, पाठ पांच हिंदी व्याकरण एवं रचना का मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, आज मैं आपको उसका अभ्यास कराऊंगी। पाठ पांच का नाम है बच्चों लिंग, ठीक है? लिंग मैं पढ़ा चुकी हूँ, आज मैं इसका अभ्यास कार्य कराऊंगी। देखिए, प्रश्न नंबर वन, लिंग किसे कहते हैं? इसका आंसर होगा लिंग की परिभाषा। शब्द के जिस रूप से संज्ञा के स्त्री या पुरुष जाति के होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। और क्वेश्चन नंबर टू, लिंग कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। ठीक है बच्चों, मैंने आपको बताया था ना, लिंग दो प्रकार के होते हैं। देखिए, लिंग दो प्रकार के होते हैं, ठीक है? अब इसका उदाहरण लिखना है बच्चों, तो आप उदाहरण अपने मन से लिख दीजिएगा। उदाहरण उदाहरण पहले आप लिखेंगे स्त्रीलिंग, ठीक है बच्चों? अब स्त्रीलिंग में आप उदाहरण लिख दीजिएगा, बकरी, गाय, लड़की, औरत आदि, ठीक? कुछ भी उदाहरण लिख सकते हैं स्त्रीलिंग का। फिर बच्चों है पुल्लिंग, ठीक है? पुल्लिंग में भी आप अपने मन से उदाहरण लिख सकते हैं, जैसे बकरा, लड़का, मुर्गा आदि, ठीक है? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के उदाहरण आप अपने आप से लिख दीजिएगा। बच्चों, क्वेश्चन नंबर टू है, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग लिखकर खाली स्थान भरिए। देखिए, क्वेश्चन नंबर टू का क, ठीक है? क इसमें है दिनों के नाम डैश होते हैं, तो दिनों के नाम क्या होते हैं? पुल्लिंग। मैं लिख रही हूँ, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रही हूँ बच्चों, ठीक है? आप ख, ख में है मछली और छिपकली शब्द सदैव डैश होते हैं, तो मछली और छिपकली शब्द हम सदैव स्त्रीलिंग में बोलते हैं। देखिए, ये होगा स्त्रीलिंग इसका, भरने वाला। फिर ग है बच्चों, पहाड़ी शब्द डैश है, तो पहाड़ी शब्द स्त्रीलिंग है बच्चों। स्त्रीलिंग। अब है ख, अब देखिए बच्चों, पुजारी शब्द डैश है, तो खाली स्थान क्या भरेंगे? पुल्लिंग। ठीक है बच्चों, ये आपने समझ लिया बच्चों? अब प्रश्न नंबर तीन है, ठीक है? अब इसमें है कुछ शब्द दिए हुए हैं, उसमें आपको उसके पुल्लिंग लिखने हैं। जैसे ये स्त्रीलिंग शब्द दिए हुए बच्चों, इसका आपको पुल्लिंग बना के लिखना है। लेखिका, लेखिका शब्द स्त्रीलिंग है, लेकिन इसका पुल्लिंग होगा लेखक। देखिए, मैं यहाँ लिख रही हूँ लेखक, ठीक है? फिर इसके बाद है मौसी, मौसी का पुल्लिंग शब्द होता है बच्चों मौसा। बहुत ही सरल है बच्चों, इसे आप अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। छत्राड़ी, छत्राड़ी का पुल्लिंग होगा क्षत्रिय, क्षत्रिय। भैंस, भैंस का पुल्लिंग होगा भैंसा। देखिए, सब बच्चे जानते हैं भैंस का पुल्लिंग भैंसा होगा, है ना? चींटी, चींटी का पुल्लिंग चीटा, ठीक? फिर प्राचार्य, प्राचार्य का पुल्लिंग होगा प्राचार्य, ठीक? लेखिका, लेखक, मौसी, मौसा, छत्राड़ी, छत्रिय, भैंस, भैंसा, चीटी, चीटा, प्राचार्य, प्राचार्य। देखिए बच्चों, एक्सरसाइज नंबर फोर है, मिलान कीजिए, ठीक है? बाघ दिया है, बाघ का
पुजारिन, इसका स्त्रीलिंग होगा बच्चों पुजारिन। दादा, दादा का स्त्रीलिंग होता है दादी। ठाकुराइन, इसका स्त्रीलिंग होगा बच्चों ठाकुर। ठीक है, ये है बच्चों मिलान कीजिए। प्रश्न मैंने यही लिखा है, जो सही उत्तर था उसको मैंने इस पे लिख दिया है। अब प्रश्न नंबर 5 है। प्रश्न नंबर 5 है बच्चों, नीचे लिखे वाक्यों में रंगीन शब्दों का लिंग बदलकर वाक्य पुनः लिखिए। ठीक है, अब इसमें बच्चों कौन पर है, उसे पहाड़ पर चढ़ने की आदत है। बच्चों शब्द के, जब हम शब्द को स्त्रीलिंग पुल्लिंग में बदलेंगे तो कोई कोई वाक्य दोनों में एक ही तरह का होता है, लेकिन कुछ वाक्य दोनों में बदल जाते हैं। जैसे उसे पहाड़ पर चढ़ने की आदत है, ठीक है, तो इसमें सिर्फ एक शब्द बदलेंगे हम, पहाड़ी। देखिए, उसे पहाड़ी पर चढ़ने की आदत है। ठीक है, इसका क्वेश्चन था उसे पहाड़ पर चढ़ने की आदत है, तो इसका स्त्रीलिंग को बदल के हम लिखेंगे उसे पहाड़ी पर चढ़ने की आदत है। अब है ख नंबर, ठीक है, ख भी बच्चों ऐसे ही हो जाएगा। महोदय लिखा है इसमें, महोदय कृपया इधर आइए, तो हो जाएगा महोदया, महोदया कृपया इधर आइए। ठीक है, अब है उस बैल को पकड़ो, इसे स्त्रीलिंग में बनाएंगे हम, नंबर का पर है, तो उस गाय को ठीक है। अब है बच्चों नंबर घ, मालिन बगीचे में काम कर रही है। अब देखिए बच्चों इसमें पूरा वाक्य बदल जाएगा, मालिन बगीचे में कार्य कर रही है, इसका पुल्लिंग में हम बनाएंगे तो माली बगीचे में कार्य कर रहा है। देखिए, माली बगीचे में कार्य कर रहा है। ठीक है बच्चों, हमने क्या बदला है बच्चों, देखिए इन इन शब्दों को बदला है, इन इन शब्दों को देखिए, गाय माली। अब लास्ट है बच्चों, लास्ट है आपका, यह बहुत अच्छा गायक है। ठीक है, अब इसमें भी देखिए बच्चों बदल जाएगा, यह बहुत अच्छी, अच्छा है ना उसमें, क्योंकि पुल्लिंग है बच्चों, जब हम स्त्रीलिंग लगाएंगे तो अच्छी कर देंगे, अच्छी गायिका है। ठीक है बच्चों, उसे पहाड़ी पर चढ़ने की आदत है, महोदया कृपया इधर आइए, उस गाय को पकड़ो, माली बगीचे में कार्य कर रहा है, यह बहुत अच्छी गायिका है। प्रिय चिल्ड्रन, आशा करती हूँ कि आज जो मैंने अभ्यास कार्य आपको बताया उसे आप समझे होंगे, ध्यान पूर्वक पढ़ा होगा उसे आपने, इसे आप अपनी हिंदी फर्स्ट की बुक में पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा, उसके बाद फिर करेक्शन के लिए व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजिएगा। बच्चों जो भी आपको लिखाया या पढ़ाया जा रहा है, आपसे अनुरोध है बच्चों कि उसे आप ध्यान पूर्वक पढ़िए और समझिए, और यदि आपको कोई उसमें संदेह होता है पढ़ते समय तो आप कृपया अपनी कॉपी में उसे नोट कर लीजिए, और जब आपकी लाइव क्लास चलती है तो आप मुझसे अपने सारे संदेह को पूछ सकते हैं।